ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 29 अक्टूबर 1981 के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है बाप बच्चों का रूहानी मिलन। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ लेना कुछ देना, चौथा खेलना। आप सभी ने यह चार ही बातें की। मेले में तो आए लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना, ये रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना, एक दो दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। इसमें बाबा ने मनाने का अर्थ बताया है कि दुनिया में तो एक दो दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उत्सव मैंने उमंग उत्साह बढ़ाना, तो अविनाशी उमंग और उत्साह बढ़ाने का सदा के लिए दृढ़ संकल्प लेना, यही मेला मनाना। तो दिवाली गई नहीं लेकिन दिवाली है, नया वर्ष सदा के लिए है, हर घड़ी आपके लिए नई है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं, वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का है। इसमें आगे बाबा ने मुख मीठा का क्या अर्थ होता है वो बहुत ही अच्छा बताया है। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना, सदा मुख में मीठा बोल, ये है मुख मीठा होना और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, ये है मीठा मुख करना। तो सदा मुख मीठा है। बाबा ने खास कहा है कि मीठा बोल बोलना और दूसरों को भी मीठे बोल द्वारा बाप का परिचय दे करके उनका सदा के लिए अविनाशी मुख मीठा कराना, यही मुख मीठा कराना है जिसके यादगार में वो कुछ मिठाई वगैरह खिला देते हैं। तो बाबा ने कहा मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति, जो एक सेकंड पहले स्थिति थी वह दूसरे सेकंड, चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो बाबा ने कहा तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि हर सेकंड आपकी
स्थिति नई होती जाए, इसको कहेंगे नए वस्त्र धारण करना। यानी क्योंकि ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो नेचुरली जो पिछली घड़ी में हमारी अवस्था थी उससे अगली घड़ी में बढ़ेगी। आगे जाके बाबा ने कहा कि मान लो आपकी पिछली घड़ी में अवस्था 80% थी, तो अगली घड़ी में 81 की ओर चलनी चाहिए, तब कहेंगे कि आपने नए वस्त्र धारण किए, क्योंकि ये आत्मा की बात है। सत्युग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे, विश्व महाराजन व राजवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। ये बाबा ने खास तौर पे रॉयल फैमिली के लिए कहा है कि विश्व महाराजन और उनका जो राज्य परिवार है वो एक बार जो ड्रेस पहन लेंगे उसको दोबारा नहीं पहनेंगे। तो ये संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के भरते हैं। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार करते हैं ना। अब देखिए बाबा ने स्थिति की बात कही पहले, तो उसके बाद श्रृंगार कहा। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान के जो रतन बाबा देते हैं और योग की जो ऊंची अवस्था बनवाते हैं, बाबा कहते हैं कि बहुत धनवान जो लोग होते हैं वो जेवर भी रोज नए नए बेटर बेटर पहनते हैं। इस प्रकार से अति धनवान भगवान हमको बना रहा है। स्थूल में तो सतयुग में होगा, तो रोज नया ज्ञान और नए योग की अवस्था, यही आपका श्रृंगार है। तो रोज नया वर्ष हो गया ना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह, और सदा मुख मीठा, निरंतर ही मुख में मीठेपन की मिठाई। इसलिए बाप भी रोज क्या बुलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा की मुरली रोज मीठे मीठे बच्चे से शुरू होती है, ये तो पक्का याद है ना। बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते और बच्चे भी कहते, तो बच्चों ने कहा मीठे मीठे बाबा। दादी जानकी कहती है ना हमेशा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। तो मीठा हम बच्चे भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, और बाबा मुरली के शुरू में भी कहते हैं और अंत में भी याद प्यार में मीठे मीठे ज़रूर कहते हैं। तो मीठे का अर्थ क्या है कि हमारे बोल सदा के लिए मीठे हो जाए। तो मुख में क्या हो गया, तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, नई घड़ी हो गई। तो इसी प्रकार मनाया या उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा अल्प काल का तो नहीं मनाया ना। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला, दूसरी बात मनाने के साथ मिलना। पहले तो बाबा ने मेले का अर्थ बताया, अब जो नेक्स्ट बात होती है मिलना, कि मेले में मिलना होता है, उसका भी बाबा ने अति घुय अर्थ बताया। तो रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात मिलना अर्थात बाप समान बनना, ये सिर्फ गले मिलन नहीं लेकिन गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन, मिलना अर्थात समान बनना। इसीलिए ही संग के रंग का गायन है। कहते हैं ना कि जिसके संग में रहो उसका रंग लग जाता है। तो बाबा ने कहा ये जो मिलन है, मिलन का मतलब है मिलान करना, मिलाप करना अर्थात उसके समान बनना। तो पहली अवस्था इसमें ये होती है कि मान लीजिए हमने बाप से निराकार रूप में मिलना है, स्वयं भी निराकार बनना पड़ेगा, तब हम निराकार लोक में निराकार बाप से मिल सकते हैं। मान लीजिए कि हमें अव्यक्त बाप दादा से मिलना है फरिश्ता रूप में,
तो पहले हमारा रूप भी फरिश्ता रूप होगा, तब हम बाप दादा से फरिश्ता रूप में मिलेंगे, तब फरिश्ता रूप के गुण धारण करेंगे। ऐसे रूहानी मिलन मनाया व सिर्फ एक दो में हाथ मिलाया व गले मिलाया, गुणों का मिलन व संस्कारों का मिलन ये तो सदा काल का है ना, रोज मिलन मनाना है। तो चेक करो, मेले में आए तो ऐसा मिलन मनाया। आजकल भी आप देखेंगे दिवाली का जब दिन आता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो उस दिन जो फैक्ट्री के मैनेजर होते हैं, मालिक होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो भी वर्कर से मिलते हैं और उस वक्त समानता से मिलते हैं, क्योंकि दिन उस दिन में भेदभाव नहीं रखा जाता। लेकिन बाबा कहते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, गले मिल लेंगे, हाथ मिला लेंगे, तो उसमें भी टेम्परेरी खुशी महसूस होती है। लेकिन बाबा कहते हैं वो एक दिन की दिवाली है। आपका मिलन मैंने समानता का मिलन, कि अपने गुणों का, अपने स्वभाव का, संस्कारों का समानता लाना। तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसे देंगे और कोई चीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं, और लेने से पहले देना तो है ही। तो इस रूहानी मेले में भी हर समय कुछ लेते ही हो, बाप से सदा लेते हो, एक दो में भी सदा हरेक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना सदा, जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो, तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये बाबा ने गहरी बात बताई है कि जब हम किसी से गुण लेते हैं, मान लीजिए ये मुरली सुनने के बाद हम अपने मन में धारण करते हैं कि मुख मीठा रखना है सदा, तो मुख मीठा रखना अर्थात अब हमने ये धारणा करी कि हम मीठा बोलेंगे, तो नेचुरली जब मीठा बोलने की धारणा करेंगे तो साधारण बोल या कड़वा बोल तो समाप्त हो जाएगा ना। तो बाबा कह रहे हैं उस गुण को धारण करने की जो कमी है आप ही दूर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाती है। गुण को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गुण को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो जाता है। तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया। तो ये लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। हर सेकंड लेते हो और देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा हुआ है। तो देने में भी फराक दिल हो या कंजूस हो, फराक दिल होना, और देते भी क्या हो, जिससे मजबूर हो वही चीज देते हो। बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं, न तन की शक्ति, न मन की, न धन की। तन की शक्ति से खाली इसका यादगार शिव की बारात कैसे दिखाई है। इसमें बाबा ने तीनों प्रकार की शक्ति से खाली कैसे हुए हैं, तो पहली बात तो बाबा ने कहा कि देखो निशानी है शिव की बारात में कैसे लोग थे। बिल्कुल कोई भी एक नॉर्मल नहीं था, लंगड़े लूले इस प्रकार के थे, तो तन की शक्ति नहीं थी। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार की यादगार। हाँ। रोज पुकारते रहते हैं।
धन से खाली की निशानी, अभी देखो जो थोड़ा बहुत सोना भी रहा है उसके ऊपर भी सदा गवर्नमेंट की आंख है। धन की शक्ति की कमी का तो बाबा ने इतना इतना अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिल में रखने योग्य है। डर डर के पहनते हैं, अगर धन है भी तो नाम का है, काला धन। जितना बड़ा धनवान नाम का उतना 90% ब्लैक मनी होगी। तो नाम का धन रहा या काम का? क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति सब कुछ अपने अकाउंट स्पष्ट दिखा दे तो टैक्सेस इतने हैं, खर्चे इतने हैं, हर चीज़ इतनी है, वो इतना धनवान हो ही नहीं सकता। तो अवश्य ही कोई युक्ति करके वो अपने धन को बचाते हैं, जिसका नाम ब्लैक मनी सारे सब आज समाज में प्रसिद्ध है, ये ब्लैक मनी कितना है। तो बाबा कहते जब काला धन हो गया तो उसकी क्या वैल्यू। आज जिनके पास धन है भी, जेवरात हैं भी, उनके देखिए हालत क्या है। ये जेवरात वाले असली जिनके पास ज्वेलरी है, वो किसी जगह जाएंगे, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो नकली ज्वेलरी पहन के जाते हैं, असली लॉकर में रहती है। और क्योंकि उनको पता है कि कोई इसको लूट लेगा तो क्या फ़ायदा हुआ कि आपने लॉकर में रखा हुआ यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति आज अगर शो करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शादी के अंदर करोड़ों रुपया खर्च देता है, आजकल ऐसा है कि कोई हवाई जहाज़ में शादी करते हैं, कोई समुंदर में जाके करते हैं, कोई कहीं करते हैं, खूब करता है, तो फौरन गवर्नमेंट वाले उसकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। तब बाबा कहता है छुपा छुपा के वो धन को रखते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा, सिर्फ चावल देते हो वो भी सूखे, और लेते क्या हो? सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी, तो लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, मिट्टी की ही सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले ही थे। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए मिट्टी से खेलते मिट्टी वाले ही क्या करते थे, मिट्टी को देखते, अब रत्नों से खेलते और क्या तो लेना और देना, अब ये भी रत्नों से खेल चलता ही रहेगा। तो लेने देने में भी मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। ये शास्त्रों में जो कहानियां हैं सिंबॉलिक हैं, बाबा उनका अर्थ बता रहे हैं कि सुदामा चावल लाया, वो भी मिट्टी वाले और वो भी कच्चे, और उसके बदले में भगवान ने उसको महल दे दिए, उसकी जया उसकी झोंपड़ी गायब हो गई जब वो गया तो महल, और इतने हीरे रतन इत्यादि, कहाँ वो चावल कहाँ वो। तो मिट्टी का अर्थ बॉडी कॉन्शियस से है कि बाबा कहता है कि जब आप आते हो तो सारा कुछ लौकिकता में मिट्टी, मैंने बॉडी जो भी आपकी चीज़ थी वो बॉडी कॉन्शियस में लिपटी हुई थी। अब नखरे कहता है बाबा इस तरह के मिट्टी वाले चावल देने में भी बच्चे कितने नखरे करते हैं, वो बाबा ने उसी एग्जाम्पल से और स्पष्ट किया है। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ यानी बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा। बाबा कहता है सुदामा के दिखाते ना कच्छ में छुपा रहा था, उन्होंने तो इस तरह से कहानी बनाई कि लज्जा के कारण। बाबा कहते बाबा चाहे तो आपका ले सकता है, लेकिन खुद देंगे, अच्छे भाव से देंगे, तब उनको कुछ प्राप्ति होगी ना उसके बदले में। बाबा कहते मैं ले भी लूं, फिर आपका क्या भाग्य बनेगा, छीनने से तो कुछ नहीं मिलता ना। अगर खींच कर ले लेंगे तो देकर
के लेना उसमें कमी पड़ जाएगी। हाँ, बाबा कहते हैं, दिखाते हैं ना उसमें कि वो छुपा रहा था और कृष्ण ने उसका छीन के ले लिया। तो बाबा कहते हैं ये कहानी का अर्थ यह है, बच्चे देना नहीं चाहते, मिट्टी वाले चावल भी देना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं अगर खींच करके ले लेंगे बिना भावना के, बिना इच्छा के, तो उसका कितना भाग्य बनेगा? बहुत थोड़ा बनेगा ना। एक देना और पदम पाना। बाबा कहते कईयों को मैं सफल करवाता हूँ इस तरह से, क्योंकि उनको पता नहीं होता बाबा उनका भाग्य बनवाता है, लेकिन वो प्राप्ति बहुत कम हो जाएगी। इसलिए देना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा लेना देना क्या है। हाँ, बाबा ने लेने देने का हिसाब बहुत स्पष्टता से बता दिया। जब ऐसा मनाना, मिलना और लेना देना हो जाता है, फिर क्या होता है? सदा बाप के साथ खुशी में खेलना, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना। तो ऐसा मेला मनाया, यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो, और हर रोज मेला है। समझा? अब देखिए, बाबा ने ये यज्ञ रचा हुआ है, इसके अंदर कोई भी सेवा का कार्य होता है तो उसके लिए सभी को कहा जाता है। यहाँ पर किसी का कोई सब्सक्रिप्शन या चंदा या इस प्रकार का तो है नहीं कि जिसने अपना धन सफल करना है कर लो। तो कई इस जो बाबा ने अभी समझाया उसको समझते हुए बड़ी खुशी से अपना धन सफल करते हैं। उनको गरीब भी होगा, थोड़ा सा धन भी होगा, स्वेच्छा से सफल करेगा तो सुदामा की तरह बाबा कहते हैं उसको महल मिलेगा। कई प्रकार के होते हैं, कई फिर लोक लाज के कारण सफल करते हैं, देखा देखी जिसको कहते हैं ना, जब सबको कहा जाता है वो सोचते हैं मैं नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं दे देता हूँ। और कई जो हैं इससे भी आगे होते हैं, वो बिल्कुल जा करके उसको जब सारे लोग देख लेते हैं कि और सब उसकी तरफ देखते हैं इतना धनवान है ये कुछ सफल नहीं कर रहा, तो वो और भी ज़्यादा एक नाम मात्र सफल करते हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी प्राप्ति भी उसी अनुपात में होती है, ये बाबा ने समझाया। ऐसे हर सेकंड मेला मनाने वाले सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। जैसे धनवान लोग होते हैं कभी वो पुरानी ड्रेस में नहीं देखेंगे, हर बार उनकी नई ड्रेस दिखेगी। जो अति धनवान होते हैं उनकी ज्वेलरी भी नई नई दिखेगी। इसी प्रकार बाबा कहते हैं आपके अंदर जो ज्ञान रत्नों का श्रृंगार है, जो ज्ञान के गुणों का श्रृंगार है, जो शक्तियों का श्रृंगार है, जो आपकी मिठाई है, वो भी आप देखेंगे कि जितना व्यक्ति जिस चीज़ का जितना धनी होगा, धनी की मिठाई और तरह की होगी। इसी प्रकार से हर चीज़ उसकी न्यू होती जाएगी, हर बार नई लगेगी और हायर क्वालिटी की होगी। तो ज्ञान में भी बाबा के बच्चे कई पुराना ज्ञान लेकर के समझते कि इसी को हम सुनाते रहेंगे, तो बाबा के तो उनकी कैटेगरी दूसरी है। फिर बाबा की युगलों से मुलाकात, अपनी विशेषता को जानते हो, इस ग्रुप की विशेषता क्या है? ये ग्रुप सन्यासी महात्माओं को भी अपने जीवन द्वारा बाप का परिचय दिलाने वाले हो, इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाएंगे तो हर कर्म चरित्र हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा का हर कर्म चरित्र के रूप में वर्णन करते हो ना, यहाँ मधुबन में ब्रह्मा बाप की चरित्र भूमि समझकर आते हो ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप का हर कर्म चरित्र बन गया क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है,
ऐसे इस ग्रुप की विशेषता है, हर कर्म चरित्र समान करने वाले, क्योंकि अभी अलौकिक बाप के बच्चे अलौकिक हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी का अलौकिक नाता हो गया, अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे और अलौकिक कर्म। अब अलौकिक चरित्र का कर्म जो कहा जाता है, अन्य जितने भी कर्म होते हैं उनका हिसाब किताब बनता है लेने देने का, लेकिन जो चरित्र के रूप में कर्म किए जाते हैं उनका हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि वे निष्काम श्रेष्ठ और लोक कल्याण अर्थ किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ ना कि महाभारत में कौन सी वो भागवत है, उसमें चरित्र दिखाए गए हैं कहानियों के रूप में। तो बाबा कहते हैं जो माउंट आबू में जाते हैं मधुबन में, तो देखते हैं ना ब्रह्मा बाबा यहाँ तपस्या करते थे, बाबा के कमरे में का अलग महत्व है, हिस्ट्री हॉल का अलग महत्व है, तो यहाँ चिट्ठी जहाँ लिखते थे। तो बाबा कहते हैं वो चरित्र श्रेष्ठ कर्म को कहा जाता। अब बच्चे भी अपने कर्मों को ऐसे चरित्र बनाए। ब्रह्मा कुमार कुमारी का अलौकिक नाता हो गया, अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे और अलौकिक कर्म। अलौकिक कर्म को ही चरित्र कहेंगे। तो सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म चरित्र हो, साधारण नहीं, अलौकिक हो। अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर ही नहीं सकते। सभी की गाड़ी दो पहिए वाली ठीक चल रही है ना? अब क्योंकि ये प्रवृत्ति वाले युगल हैं, इसलिए बाबा उनको कह रहे हैं। और जो ऊपर बाबा ने कहा अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर ही नहीं सकते, मान लो अलौकिक जीवन वाले भोजन कर रहे हैं, अब दुनिया वाले कहेंगे हम खाना खा रहे हैं, लेकिन अलौकिक जीवन वाले शिव बाबा को याद करके सात्विक भोजन, और उसको भी बाबा की स्मृति में कि ये भोजन एक औषधि के रूप में जाकर मेरी आत्मा को शुद्ध करेगा, फर्क हो गया ना। अलौकिक जीवन वाले स्नान कर रहे हैं, दुनिया वाले भी नहाते हैं, लेकिन वो किस लिए स्नान कर रहे हैं, ये जाके योगा अभ्यास करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे। और दूसरा कोई व्यक्ति जो है ठगी करने के लिए भी स्नान कर सकता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका अलौकिक ही रहेगा। तो बाबा ने पूछा कभी कोई पहिया नीचे ऊपर तो नहीं होता? एक पहिया आगे चले दूसरा पीछे, ऐसे तो नहीं होता? आप सबकी यही विशेषता हो जो एक दो से आगे भी रहो और एक दो को आगे करने वाले भी। एक दो को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं मैं पुरुष हूँ और वो समझे मैं शक्ति हूँ। अगर आप शक्ति हो तो वो पांडव भी कम नहीं, तो शक्तियाँ भी कम नहीं। दोनों ही बाप के सहयोगी हैं, इसलिए पांडव आगे हैं या शक्तियां आगे हैं ये भी नहीं कह सकते। शक्तियों को ढाल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने को बहुत समय से नीचे समझती हैं, इसलिए नशा चढ़ाते हैं, नशा चढ़ाने के लिए आगे रखा है। बाबा ने कहा कि नारी जाति को हमारे परंपरा में बहुत नीचे रखा गया है, इसलिए बाबा ने उनको नाम दिया है शिव शक्तियाँ ढाल, ताकि वो अपने सम्मान में आए। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई कमज़ोर दिल का होता है तो उसको कहते हैं बहादुर नाम रख देते हैं उसका। तो बाबा कहते हैं ये नहीं, बाबा हर चीज़ के अंदर कल्याण बताते हैं। पांडवों को बाबा ने कहा कि कई पुरुष समझते कि पुरुष बड़ा होता है, तो ना वो बड़ा ना वो बड़ा, दोनों पहिए प्रवृत्ति मार्ग के बाबा के निमित्त हैं। एक दूसरे को आगे ज़रूर करना है, लेकिन ये नहीं समझना अभिमान में नहीं आना। तो बाबा ने कहा शक्तियों को आगे रखने में ही पांडवों को फायदा है, शक्ति पीछे रहेगी तो आपको भी पीछे खींच लेगी, क्योंकि शक्तियों में आकर्षण करने की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए शक्तियों को आगे रखना ही आपका आगे होना है।
वैसे भी शक्तियां पांडवों की ढाल है। पांडव कहीं ऐसा भाषण करे तो डंडे खाने पड़े। वैसे भी गीता पाठशाला खोलते हो तो कहते हो, यानी बाबा ने कारण बताया है, हर एक का महत्व बताया है कि शक्तियां जो हैं उनके अंदर एक तो आकर्षण शक्ति है, तो आगे रहेंगे तो क्या होगा, पीछे वाले को आगे खींचेंगे और पीछे चले जाएंगे तो अगले वाले को पीछे खींचेंगे। तो बाबा कहते इसलिए उनको आगे रखने में कल्याण है। दूसरा बाबा ने कहा कि ये जो है नया ज्ञान है बिल्कुल, तो नए ज्ञान में तो नई नई बातें हैं। कोई भाई पांडव भाषण कर दे दुनिया के अंदर जाके तो डंडे भी खाने पड़ सकते हैं, और कईयों का ऐसा अनुभव है, क्योंकि वो कहेंगे तो नई बात कहते हैं। अब ये कहते हैं कि भगवान जो है शरीर धारण करता ही नहीं, वो तो अवतार लेता है, और श्री कृष्ण जी ने शरीर धारण किया था इसलिए वो देवता हैं, भगवान ने तो ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा था। मान लो ऐसी बात कहते हैं तो डंडे खाने पड़ सकते हैं। तब बाबा कहता है शक्तियों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भी बाबा ने महत्व बताया गीता पाठशाला। तो वैसे भी गीता पाठशाला खोलते हो तो कहते हो बहन भेजो, माता गुरु है, इसलिए माता में भावना सहज बैठ जाती है। ब्रह्मा बाप भी बैकबोन रहा और शक्तियों को आगे किया, तो आप भी ब्रह्मा की हमजिंस हो। तो जैसे बाप ने शक्तियों को आगे किया तो सफलता मिली, वैसे आप भी शक्तियों को आगे रखो तो सफलता मिल जाएगी। प्रवृत्ति में कोई खिटखिट तो नहीं होती? कभी बर्तन बर्तन में लगकर थका तो नहीं होता? थका तो नहीं करता, आवाज तो नहीं करता। क्योंकि कोई भी आवाज होगा तो क्या कहेंगे? भगवान के बच्चे और बर्तन बर्तन से टकराता है। मान लीजिए ज्ञान में चलने वाला एक युगल है, वो आपस में कोई किस प्रकार का टकराव हो जाता है, आवाज़ ऊंची करके बोलते हैं तो पड़ोस के घर वाले सुनते हैं तो क्या कहेंगे, अरे ये तो भगवान के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, देखो ये कैसे लड़ रहे हैं। मान लो तो बाबा इसलिए कहा कि बर्तन बर्तन से टकराता तो नहीं है। वैसे तो बर्तन बर्तन में लगेगा तो आवाज़ ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ आवाज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में बाप है। जहाँ बीच में बाप आ गया वहाँ आवाज होगा। जब बीच से बाप को निकाल देते हो फिर टक्कर होता है, आवाज होता है। तो सदा बाप को साथ रखो। बाप साथ होगा तो कोई भी बात अगर हुई भी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब किसी दो की बात में तीसरा बीच में पड़ता है तो बात खत्म हो जाती है ना। मेडिएशन करवाते हैं ना बीच में, कि दो व्यक्तियों का कुछ मनमुटाव होता है, तीसरा सुलह करवा देता है। वो बाबा ने संसारिक एग्जांपल दिया। ऐसे ही बाप को बीच में रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप होना, फिर ये मेरी युगल है ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो निमित मात्र सिर्फ सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइन रूप तो आप और बाप हो। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं हिम्मत पर। हिम्मत रख, आगे चल रहे हो और चलते रहेंगे, इस हिम्मत की मुबारक देते हैं। बाबा ने शुरू में कहा ना कि प्रवृत्ति मार्ग में युगल रूप में पवित्र रहने वाले महात्मा सन्यासी महात्मा भी उनसे सीखेंगे, भगवान का परिचय लेंगे कि हमने तो दुनिया छोड़ करके पवित्रता धारण की, गृहस्थ को छोड़ करके,
और ये घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं, जरूर इनके पीछे भगवान की शक्ति है। फिर बाबा की कुमारों से मुलाकात। अपने को सदा राज ऋषि समझते हो, अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी, स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं। अकेले ऋषि नहीं है, राज ऋषि है। राज्य माने अधिकारी, अपने इंद्रियों पर अधिकार करने वाले। क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी, तो राज्य भी और ऋषि भी, तो सभी स्वराज अधिकारी बने हो। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए, ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी। क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराजधारी होंगे तब सेफ रहेंगे, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण न हो। कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। कुमार यदि विजयी बन जाए तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है। लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गवाते हो। संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर वन कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत न हो, इसलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। शिव का बच्चा गणेश दिखाते हैं ना। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल बने हो तब यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी, वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। अब ये ज्यादातर बाबा जनरली मुरलियों में कहते हैं कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो इसका भाव क्या है कि जैसे अभी बाबा ने कहा, अगर हम विघ्न विनाशक की वृत्ति रखते हैं कि कोई भी विघ्न मैंने किसी प्रकार भी कोई समस्या हो, शारीरिक रोग आ जाए, मानसिक हलचल हो जाए, धन आगे पीछे हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लोगों की तरफ से कुछ आ जाए, सरकार की तरफ से आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो बाबा ने कहा जो विघ्न विनाशक होगा उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो इस तब बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा नोट करने वाला दिया कि अगर जैसे तत्व चेंज होते हैं, अब जैसे मौसम बदलता है, अचानक सर्दी का मौसम आ जाता है तो आप देखेंगे सब लोगों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, गर्मी का मौसम आता है सब लोगों को गर्मी, बरसात के अंदर और सीन होता है। इसी प्रकार से वातावरण बदल जाता है मौसम बदलने से, तो आपकी विघ्न विनाशक की वृत्ति से वातावरण विघ्नों का खत्म हो जाएगा। तो चारों ओर विघ्न विनाशक की
लहर फैल जाए। सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो खिटखिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन, वायुमंडल बनाने में बिजी रहो, अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। जैसे किसी कोई शक्तिशाली चीज होती है, अगर उसका प्रयोग ना किया जाए तो शक्ति नुकसान कर देती है, और उसी शक्ति को अगर आप चैनलाइज कर दें तो शक्ति फायदा कर देती है। जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, वो फ्लड ला देती हैं तो गांव के गांव तबाह हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं नदियों में डैम बना देते हैं तो उसमें पानी भी मिलता रहता है इरीगेशन के लिए, और बिजली भी पैदा होती है। तो कुमारों की शक्ति को बाबा ने कहा, अगर यूज़ नहीं करेंगे कुमार मनसा सेवा में, विघ्न विनाशक में, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो बाबा ने कहा, अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजीत करने वाले हो। तो सदा अपना ये ऑक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे ये अलौकिक ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। जैसे बाबा ने कहा, हनुमान दिखाते हैं ना, संजीवनी बूटी लाया और मूर्छित को जीवित कर दिया, तो कुमार शक्तिशाली उसको महावीर का टाइटल बाबा ने कहा, अपना याद रखो। तो ये था आज की मुरली पर मनन और चिंतन। ओम शांति।